और आप लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि इसमें डामर नहीं डाल रहा, केवल अकेला प्लास्टिक डाल रहा, तो वो भी नहीं है, क्योंकि तो डामर डालना पड़ेगा, डामर के साथ आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, वो वाली बात। वो गर्लफ्रेंड को घुमाने नहीं ले जाना कहीं पर, बस आपको अपने हिसाब से चलाना है, इसीलिए बोलता हूँ आप अपने हिसाब से चलाइए बिल्कुल नॉर्मल, जिससे आपको अपने दिल को प्लास्टिक वेस्ट की रोड एक नाम की रोड है मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि इसमें प्लास्टिक वेस्ट यूज़ तो हो रहा है पर वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। पैच यहाँ पे एंड हो गया दोस्तों, ये मशीन वगैरह आप देख रहे हैं खड़ी हुई, रोलर खड़ा है सामने, खड़ा अपना पीटीआर तो खैर ये चल रहा है अभी, और अपनी फेवर सब लोग। ट्रांसफार्मर की न्यूज़ ये है कि दोस्तों इनका तो काम ठंडे बस्ते में है दोस्तों, अभी टाइम लग रहा है दोस्तों इनको तो, हाँ अभी प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है मेरे को लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली मौजूद हम अपनी साइड पर, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों बीसी का लेइंग, और खास बात दोस्तों ये है ये बीसी का लेइंग हो रहा है दोस्तों, आपका प्लास्टिक वेस्ट यूज़ हो रहा है दोस्तों इसमें, तो बने रहिए वीडियो में। कल भी दोस्तों मैंने किया था दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट से दोस्तों डामर, और अभी हमको दोस्तों 4 किलोमीटर का एक पैच पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों इस टाइप से, तो मेरा लगभग 1.5 किलोमीटर एक साइड मैंने कर दिया है, बाकी दोस्तों अभी और भी कंटिन्यू है दोस्तों, अभी आज भी दोस्तों हमारा आज 2 किलोमीटर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से दोस्तों हमारा कंटिन्यू है, और एक ट्रायल पैच टाइप का रहेगा हमको लगभग 4 किलोमीटर के आसपास दोस्तों यहाँ पर बीसी करनी है, तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई यार दूसरा दिन है यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से दोस्तों बीसी करने का दोस्तों, और देखिए यहाँ पे ये चल रहा है अपना पीटीआर, क्योंकि सरफेस दोस्तों आपके सामने आप देख लिए, सरफेस में जो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है मेरे को वैसे ही दिख रहा है, पर दोस्तों इसको प्लास्टिक वेस्ट की रोड एक नाम की रोड है मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि इसमें प्लास्टिक वेस्ट यूज़ तो हो रहा है पर वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है दोस्तों, आप जैसे नाम सुनते ना कि प्लास्टिक से रोड बना दी, पर ऐसा कुछ नहीं है, है पूरा डामर जो नॉर्मल रोड बनती हो ऐसा ही है, पर इसमें है ना एक डंपर जो 10 चक्का आपका डंपर होता है उसमें एक 100-120 केजी के आसपास एक डंपर में प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बस यही फ़र्क है दोस्तों इस रोड में और उस रोड में, और कुछ ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है दोस्तों, अब बस बाकी हाँ 120 केजी भी यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं आप सोचो कि है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ कर रहे हैं, पूरा डामर नहीं रहेगा केवल अकेली प्लास्टिक रहेगी, तो ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे प्लास्टिक तो यूज़ हो रही है पर डामर भी यूज़ हो रहा है, जो डामर अपन जनरली डालते हैं उतना डाल रहे हैं, उसके अलावा जो डामर का परसेंटेज रहता है उसका लगभग 6% के आसपास इसमें प्लास्टिक और ऐड कर रहे हैं, बस ये है, तो उस हिसाब से लगभग 6% भी कर सकते हैं, आप 5% कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड आप कितना करना चाहते हैं, तो दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों हमारा लगभग 120 किलो के आसपास दोस्तों एक 10 चक्के में दोस्तों लग रहा है इसमें, तो इस हिसाब से दोस्तों जाना है एक आपकी जो 10 चक्का होता है उसमें 30 टन माल आता है, और 30 टन में आप केवल 120 केजी केवल आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से माल बहुत कम मात्रा में, आपको एक नाम की मतलब ऊँट के मुँह में एक जीरा वाला बात है दोस्तों ये, बाकी दोस्तों सरफेस देखो, सरफेस तो उतना ही रहेगा क्योंकि केवल 120 केजी तो हमने मिलाई है, कुछ ज़्यादा तो मिलाया नहीं इसमें, और ये देख लीजिए आप, ये हमने लाइम पाउडर मार के पूरा सरफेस देखो आपके सामने रखा हुआ है, आप देख रहे हैं आगे खड़े अपने रोलर, उधर पेवर खड़ी लगी हुई है, और चालू दोस्तों अपना बीसी का लेइंग। हाँ दोस्तों टेम्परेचर दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि 142 डिग्री में, भैया 42 नहीं है भैया, यहाँ पे अभी 46 टेम्परेचर है दिन में, और नीचे जो डामर है वो 150 डिग्री टेम्परेचर है उसका, तो आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों डामर का टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ खड़ा भी बड़ी मुश्किल से रहे, हम लोग यहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहन के हैं, हमारी लेबर वगैरह सब लोगों पहन रखे हैं, और जूतों के अंदर जब चलते हैं ना डामर के ऊपर तो आग बरसती दोस्तों आग नीचे से। दोस्तों यहाँ पे देखो पीटीआर के पास तो फाइनल पास मार रहे हैं, और फाइनल पास होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना पैच यहाँ पे एंड हो गया दोस्तों, ये मशीन वगैरह आप देख रहे हैं खड़ी हुई, रोलर खड़ा है सामने, खड़ा अपना पीटीआर तो खैर ये चल रहा है अभी, और अपनी पेवर सब लोग खड़े हैं, ये बोजर वगैरह सब लोग, दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों ये पैच हमारा बीसी का एंड हो रहा है, क्योंकि आगे यहाँ पे 200 मीटर आगे रेलवे ओवरब्रिज बनना है, तो हमारा यहीं तक का पैच है, तो अब दोस्तों क्या करना है हम लोगों को शिफ्ट करना है दोस्तों, अब हमें ये वाला टुकड़ा करना है, ये वाला इस पर भी अभी DBM हुआ है, तो अभी इस पर बीसी करनी है, तो ये पूरा कंटिन्यू चलेगा यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक आगे तक, तो अभी फेवर कर रहा है शिफ्ट, और इस पर कर रहे हैं दोस्तों ट्रैफिक मूव, क्योंकि ये भी हो गया दोस्तों कंप्लीट लगभग, थोड़ा देर और ठंडा करते हैं और बस इसके ऊपर ट्रैफिक मूव करेंगे दोस्तों। भाई यहाँ पर देखो अपनी डंपरों की लाइन लग गई दोस्तों, अभी क्या हुआ एक के बाद एक आ गए, अभी हम बस थोड़ा ठंडा कर रहे थे सर पर इसलिए थोड़ा रुक गए थे, तो अभी ये गाड़ियाँ लेते हैं उस वाले पट्टे में, अपन ये वाला पट्टा ओपन कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले लेते पहले अंदर क्योंकि फिर बाद में आ नहीं पाई, और ये वाला रोड अपन ओपन करते हैं दोस्तों, अभी पेवर वेवर ही दोस्तों साइड कर रहे हैं, अपन लेके चल रहे हैं उधर वाले पट्टे में, क्योंकि ये वाला हो गया अपना कंप्लीट, और रोलर वोलर सब हटाते हैं, अब इसको मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगा जब इसके ऊपर ट्रैफिक चलेगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो अभी आपको समझ में आया, क्योंकि
ये जो प्लास्टिक वेस्ट से दोस्तों जो अपन बीसी कर रहे हैं ना, उसका लेइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम अभी उसका जो मेन रिजल्ट जो रहेंगे वो आएंगे दोस्तों ट्रैफिक मूव होने के बाद। अभी देखो इसके ऊपर ट्रैफिक मूव होता है तब पता चलेगा आपको क्या था सर्विस बन रहा है, क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई, तब समझ में आएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। और अभी तो दोस्तों हम लोग पेवर वेवर साइड में लेते हैं उधर वाले पट्टे में, और उस वाले पट्टे को हम चालू करते हैं, इस वाले को ओपन करते हैं ट्रैफिक के लिए। तो धीरे धीरे गाड़ियाँ लेते हैं भैया, पहले वो डंपर वंपर सारे अंदर ले लो, नहीं तो फिर आगे से घुमा के लेने पड़ेंगे सारे। कौन वन दोस्तों यहाँ से हटा दिया हम लोगों ने, और अब ये वाला चालू करते हैं। चलो भाई अभी काफिला ले लेते हैं दोस्तों उधर की साइड में, और अपन अब चालू करते हैं दोस्तों यार पेवर भी दोस्तों वहीं से घुमाते हैं, थोड़ा ट्रैफिक व्रैफिक का आगे भाई को भेज दिया अपने, आशु भैया को भेज दिया आगे, तो वो अभी इसको निपटाएंगे, उधर का ट्रैफिक बंद करेंगे, इधर वाला ओपन करेंगे। तो दोस्तों अपना अभी काफिला देखो पूरी लाइन लग गई गाड़ियों की, अभी चालू करते हैं दोस्तों, एक बार में चालू कर देंगे दोस्तों, 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं भाई। ये बोगले का पेवर जितना बड़ा है, जितना काम इजीली करता ना, उसको जगह चाहिए उसमें काम करने के लिए। अभी देखो उसको थोड़ा जगह कम पड़ रही है, तो बार बार आगे पीछे करके उसको बना रहा है बैलेंस। देखो भाई पहली गाड़ी है ये, हम इस पर डाल रहे हैं, देखो ये हमारे नई रोड के ऊपर से डाल रहे हैं। क्या होता है दोस्तों जब भी इस पर नया रोड बनाते हो, नया DBM वगैरह करते हो, अगर 2 से 3-4 घंटे के आसपास आपने ठंडा कर दिया PTI चला के और लाइम पाउडर मार दिया, आपको फिर इतना दिक्कत नहीं आती। क्या है गाड़ियाँ अगर सीधी सीधी निकलेंगी तो दोस्तों इतना प्रॉब्लम नहीं आता, दिक्कत कहाँ आती है गाड़ी अभी ताज़े सरफेस के ऊपर टायर घुमाने से। तो अभी देखो गाड़ियाँ ये आराम से आ रही धुआं उड़ाते हुए, क्योंकि लाइम पाउडर है दोस्तों। कैसी आ रही देखो, ये देखिए दोस्तों कोई ज़्यादा इशू नहीं आता दोस्तों, हम लोग ऐसे करें, क्योंकि दोस्तों मैं ट्रैफिक इसके ऊपर इसलिए भी जल्दी छोड़ देता हूँ 2 से 3 घंटे बाद, क्योंकि दोस्तों ये नेचुरल PTR है दोस्तों, ये जो टायर चल रहा है ना ये नेचुरल PTR है। आप अपना PTR कितना भी चला लो, और दूसरा जो नेचुरल PTR दोस्तों ये है, क्योंकि इनके अंदर वजन है, ये 30-30, 40-40 टन की गाड़ियाँ जब चलती है नए सरफेस पे, थोड़े हल्के गर्म पे, तब रोड पे दोस्तों वर्कअप होता है दोस्तों दबा के। इसलिए दोस्तों मैं इस पर 2 से 3 घंटे इसको ठंडा करने के बाद, PTR चलाने के बाद इसको छोड़ देता हूँ, ट्रैफिक मूव कर देता हूँ। और देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सरफेस नहीं उखड़ रही, बढ़िया चल रही सरफेस। चलो भाई ये रोड अपन ने चालू कर दिया, और यहाँ पे पेवर वेवर लगाने की तैयारी होने लग गई। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं आगे हमने क्लीनिंग चालू कर दी है, क्योंकि क्लीनिंग दोस्तों हमने सुबह करके रख ली थी, पर वो हल्का हल्का फिर भी एक बार चालू करने से पहले आप लगा लीजिए। और ये यहाँ पे अशोक भैया ने लगाया अपना टैक कोड का बोजर, और इसको चालू कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा वाटर टैंकर आ गया यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं पानी, ये भर रहे हैं हम दोस्तों, ये PTR हुए रोलर हुए इनके टैंकों में हमें तो पानी भरना पड़ता है, तो यहाँ पे पानी भर रहे हैं। देखो ये हमारे आशु भाई देखो गुस्से में, पता नहीं कहाँ से ये देखो भाई ये अपना सेटअप पूरा लगता हुआ बस पानी वानी डाल रहे हैं। और भी मैं इस टाइम पर दोस्तों PTR है, दोस्तों PTR में देखो दो सीटें रहती हैं, ये इधर भी चल जाती है और इधर भी चल जाती है, और यहाँ भर रहे हैं हम पानी। ये इसका टैंक होता है इस टाइप से, 300-400 लीटर का होता है दोस्तों ये टैंक। ये देखिए दोस्तों अभी बाजू वाले रोड तो अपन ने खोल दिया, ओपन कर दिया ट्रैफिक के लिए। अभी 3 घंटे पहले दोस्तों इस पर लेइंग किया था, और अभी इधर चालू किया है, टैकोड वैकोड पूरा लग गया है, पहली गाड़ी लगा के अभी दोस्तों इधर का स्टार्ट करते हैं, और डालेंगे शाम तक 10 गाड़ी इधर भी डाल के, और फिर आगे छुट्टी होगी। फिर उसके बाद अंधेरे में हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे अंधेरे में काम करना हमारे लिए अलाउ नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो हम लोग जितना होगा दिन में ही खींचेंगे दोस्तों। चलो भाई उठा के पहला लोड बिछाना चालू किया है, और ये देखिए आप बस जब भी पेवर का आप लेइंग करा रहे हैं ना, तो दोस्तों बस इसका ध्यान रखिए आपके ड्राइवर वहाँ पे ज़्यादा माल ना गिरे, ज़्यादा उठा देते ना स्टार्टिंग में तो माल ज़्यादा गिर जाता फिर प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेइंग हो गया अपना स्टार्ट, और अपन भी कर, खूबसूरत लग रहा है दोस्तों आज, हरा भरा जंगल दिख रहा है। और देखो यहाँ पे और शाम का टाइम हो गया दोस्तों लगभग 5 बजे का, और देखो काम करने में दोस्तों आनंद, देखो
जब दोस्तों इस टाइप से जंगल में काम करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा छाँव वाँव मिल जाती है बैठने के लिए, और नुकसान यहाँ है पानी वानी कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत भगना पड़ता है कैंपर ले लेके होटलों की तरफ, नहीं तो जहाँ पे भी गाँव वाँव है हेडपम्पों की तरफ भगना पड़ता है। भाई यहाँ पे देखो टेकोड वेकोड लग गया पूरा कंप्लीट है, और काफ़ी वहाँ गाड़ियाँ आ गई दोस्तों, एक ये आ गई है और ये भी खड़ी है दोस्तों, और गाड़ियाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आ गई, मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ से। क्या हुआ दोस्तों, अभी थोड़ा अपन पट्टा चेंज करने के चक्कर में दोस्तों थोड़ा ठंडा करने के लिए थोड़ा रुक गए थे, तो इसलिए गाड़ियाँ बाद में इकट्ठी एक साथ आ गई, तो अभी एक के बाद एक फटाफट कर देते दोस्तों लिंक और ख़त्म करते दोस्तों यहाँ की कहानी। और ये तो थोड़ा बहुत जब भी फीवर में थोड़ा बहुत माल बच जाता है जैसे, तो बाद में दोस्तों आगे आप साइड में दोस्तों इस साइड पे डंप उठा दीजिए, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल रहेगा वहीं पे गिर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखो ये लेइंग तो चालू है दोस्तों, और भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से थोड़ा प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, क्या यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट दोस्तों उससे हम लोग यहाँ पे बीसी कर रहे हैं, डामर कर रहे हैं जो भी है, तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक की जो क्वांटिटी दोस्तों बहुत कम मात्रा में दोस्तों अभी बात करें जाए दोस्तों, तो जो लगभग एक 30 टन की गाड़ी है उसमें हम लोग 120 से 130 केजी के आसपास प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, कर नहीं रहे, पर 100 बहुत कम मात्रा में दोस्तों। और आप लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि इसमें डामर नहीं डाल रहा, केवल अकेला प्लास्टिक डाल रहा, तो वो भी नहीं है, क्योंकि तो डामर डालना पड़ेगा, डामर के साथ आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं वो वाली बात है, पर वो एक लिमिट में यूज़ कर सकते, ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आप जो आपका जो सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों रही बात इसकी के इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना चलेगा, मजबूत कितना है, तो दोस्तों इसके रिज़ल्ट दोस्तों अभी हमने ट्रायल बैच तो लिया था, उसके रिज़ल्ट तो ठीक आ रहे थे, बाकी दोस्तों एक्चुअल में प्रैक्टिकल तो दोस्तों अब जब साइड पे ही होगा, जब इसके ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी, और इसका मेन टेस्ट होगा दोस्तों बारिश में, क्योंकि डामर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों पानी, और जब इस पर बारिश में दोस्तों इस पर गाड़ियाँ चलेंगी तब इसका मेन पता चलेगा दोस्तों कैसा रिएक्ट करता है दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट वाला रोड। यहाँ पे दोस्तों एक नितिन गडकरी जी की एक बहुत अच्छी पहल है कि आप प्लास्टिक वेस्ट यूज़ करके दोस्तों रोड बनाइए, और जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चलो इस टाइप से सब लोग अगर यूज़ करना चालू कर देंगे तो जो प्लास्टिक दोस्तों आज खेतों में रोड के किनारे और गंदगी फैला रही वो यहाँ पे काम आ जाएगी, तो उससे रोड बन जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और प्लास्टिक का कंजप्शन भी हो जाएगा, तो वो जहर हर जगह फैलेगा नहीं, ये बात तो हम मानेंगे दोस्तों, भले ही इसका थोड़ा कम मात्रा में यूज़ हो रहा है, धीरे धीरे यूज़ हो रहा है ये हम मानते हैं, पर इसके बाद ये एक बात ये भी अच्छे रिजल्ट ही आएंगे, सब लोग करेंगे तो उसका ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो जाएगा दोस्तों। तो प्लास्टिक जो अभी कचरों में पड़ी है, यहाँ पड़ी है, उधर पड़ी है, सब लोग बोटलें फेंक देते हैं, उस जब इसके रेट अच्छे मिलने लग जाएंगे तो दोस्तों प्लास्टिक बिकने लगेगा मार्केट में और फिर उसका यूज़ होने लगेगा दोस्तों। कभी दोस्तों आप लोगों ने गौर करिए, कभी लोहा आपको पड़ा हुआ कहीं मिला कचरे के ढेर में, या फिर रस्ते में, या फिर कहीं पे भी नहीं मिलता, क्योंकि वो 20 रुपये किलो बिकता है। इसी हिसाब से जब इसका प्लास्टिक की भी दोस्तों जब डिमांड बढ़ जाएगी, उसके रेट अच्छे मिलने लग जाएंगे, तो वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इसीलिए ये कदम मेरे हिसाब से अच्छा कदम है, ये भले ही थोड़ा कम क्वांटिटी में दोस्तों इसका यूज़ हो रहा है, पर अच्छा कदम है दोस्तों मेरे हिसाब से। भाई यहाँ पीछे से देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा सरफेस प्लास्टिक वेस्ट की सरफेस है दोस्तों, ये कम मात्रा ही सही, पर दोस्तों है तो सही, मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था हम लोग कहाँ डाल रहे थे, कैसा क्या कर रहे थे, बाकी दोस्तों काम तो मेरे को ठीक लग रहा है, करना चाहिए दोस्तों, सबने करना चाहिए, हमें 4 किलोमीटर करना है यार, पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं करना हमको, 4 किलोमीटर में दोस्तों हमें ट्रायल लेना है, ट्रायल के बाद फिर देखो बारिश में हमको ट्रैफिक चलाना, फिर अगर ये सक्सेसफुल रहा ये तो दोस्तों फिर इसका बढ़ जाएगा, फिर हमें पूरे प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा, अभी तो 4 किलोमीटर का हमें ट्रायल लेना है, और उसको ट्रैफिक जो मेन हाईवे का ट्रैफिक रहेगा वो चला के देखना है, तब दोस्तों पिक्चर क्लियर होगी कि ये चलाने लायक है या नहीं। भाई देखो यहाँ से चालू किया है दोस्तों अपन ने, ये बीसी का जो लेइंग हो रहा है उसका अपन ने रोलिंग चालू है दोस्तों, रोलिंग करते टाइम दोस्तों एक चीज़ बहुत ध्यान रखें, इसकी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, 1 से 5 किलोमीटर दोस्तों इसकी डिसाइड है, ज़्यादा स्पीड में भगाओगे तो काम खराब हो जाएगा दोस्तों, स्लो रखिए दोस्तों, अगर स्लो नहीं रखेंगे दोस्तों क्या है बीसी के सर पर फटता है, फिर भगता है इधर उधर, और लाइन एकदम सीधी रखिए, एकदम सीधा जाए सीधा आए, और दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हल्की हल्की लाइनिंग आ रही है, वो तो अभी मटेरियल अपना जो मिक्स है ना वो थोड़ा गर्म है अभी, इसलिए थोड़ा सा लाइनिंग आ रही है, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये सरफेस, तो उसके बाद ये लाइनिंग वाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके ऊपर तो पीटीआर चलाना ही है, तो इसी हिसाब से दोस्तों आप इस पर स्पीड का दोस्तों बहुत ध्यान रखिए, रोलिंग करा देता हूँ, 1 से 5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड रहती है
बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से ये गई, कोई अपने को गर्लफ्रेंड को घुमाने नहीं ले जाना कहीं पे, बस आपको अपने हिसाब से चलाना है। इसीलिए बोलता हूँ आप अपने हिसाब से चलाइए, बिल्कुल नॉर्मल, जिससे आपको अपने दिल की तसल्ली हो। आप कोई किलोमीटर कहीं आपको दौड़ के जाना नहीं कहीं पे, ये जल्दी नहीं है, आप आराम आराम से चलाइए रोलर। चलिए दोस्तों यहाँ पे चल रही लेइंग और दूसरे वाला पट्टे पे देखो सरपट्टे से चल रहा है अपना ट्रैफिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं देख आया। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भैया आपकी फेवरेट जगह सुक्तवा के ब्रिज पे, वहाँ का भी थोड़ा अपडेट आपको दे देता हूँ। तो अभी चलो दोस्तों मिलते हैं सुक्तवा के ब्रिज पे, चलिए वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों फाइनली पहुँचे अपन सुक्तवा के ब्रिज पे और यहाँ पे देखो TMB हमारा कंक्रीट का कोई प्रोग्राम वगैरह है और ये देखो स्टील यार्ड है दोस्तों, नीचे चल रहा है काम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का काम भाई, ये देखो इधर भी चल रहा है काम और इसको निकालने का, और ये चल रहा है दोस्तों हमारा काम, ये हमारे TM के उस्ताद वगैरह सब लोग यहाँ खड़े हैं। मशीन दोस्तों ये फाइनली हो गई सही, हमारे राणा उस्ताद चला रहे हैं इसको और ये भी निकल रहे हैं बाहर, जब नीचे होगी कॉन्क्रीट और डे शिफ्ट खत्म ही होने वाली, कोई टाइम होगा तो 6:45 का। चलो चलो नीचे चल के नीचे दिखाता हूँ नीचे का हाल क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, और काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे यार कि आप लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, तो भाई देख लो आज सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, हेलमेट वेलमेट सब कुछ को जो इनका यू क्लेम टाइप का जो रहते हैं वो सब कुछ दिए गए हैं लेबर को, वो बात अच्छा रहा मेरी नज़र में भी डाल दी, वो भी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर आया कॉन्क्रीट पम्प और ये देखिए आप अभी कॉन्क्रीट करने की तैयारी दोस्तों, इसकी अगली लिफ्ट की ये सामने आप देख रहे हो, उसके बाद पियर की भी करेंगे अगली लिफ्ट और फिर चलते दोस्तों नीचे। ये देखो भाई साहब ये यहाँ पे ये अपना चल रहा है भैया इसका काम, और यहाँ पे दोस्तों ये देखो स्लीपर लगाने का काम चालू है, अभी हिला नहीं, जैसा जिस कंडीशन में दोस्तों इसको कल छोड़ के गए उसी कंडीशन में। और यहाँ पे भाई लगा रहे हैं दोस्तों ये स्लीपर, देख रहे हैं ना आप, ये स्लीपर लगाया उन्होंने और स्लीपर में दोस्तों उन्होंने मार दी पक्की बिल्डिंग, क्योंकि क्या होता था बेल्ट ये है ना दब रहा था यहाँ से, अभी उन्होंने पक्की बिल्डिंग ही मार दी इसमें, अब दब के दिखा मेरे को। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी दोस्तों इस वाले को दोस्तों उसी के लेवल में लेना पड़ेगा, ये स्लीपर ऊंचा है एक नीचा है, इसको भी ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। और ये वाला देखिए आप, ये वाले में तो भाई ने भर दी बेल्डिंग, तो ये वाला तो हो गया कवर, ये देखिए भाई ये बेल्डिंग आप डायरेक्ट आँखों से मत देखिए, क्योंकि ना इसमें नींद नहीं आती रात को। दोस्तों यहाँ पर देखो कॉन्क्रीट के लिए अपना मिलर विलर लगा दिया और ये TM वगैरह सब लोग लग गए, और बूम पम्प दोस्तों सेट किया दोस्तों, पहले इसकी वॉल भरेंगे और वॉल कंप्लीट होने के बाद फिर दोस्तों इसका ये वाला जो है ना अपना पियर का भी दोस्तों एक वॉल एक लिफ्ट भरेंगे दोस्तों हम लोग। बाकी दोस्तों एक भाई मेरे से पूछ रहे थे आप डेट ऑफ कास्टिंग नहीं डालते, देखो अभी दिख रही है आपको विजिबल हो रही होंगी, और थोड़ा सेफ्टी के भी ध्यान दोस्तों रखे गए हैं अभी, और क्यूरिंग की बात की जाए दोस्तों दिन भर क्यूरिंग होती है दोस्तों यहाँ पे, मेरे जो साथी हैं वो लोग करते हैं, जो क्यूरिंग नहीं करेंगे दोस्तों ये कैसे टिकेगा, तो हम भी बताया कि ब्रिज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और इसमें बोरे भी लपेट दिए जाते हैं तो पर क्या होता है दोस्तों ये गर्मी इतनी है दोस्तों सूख जाते हैं। और अभी तो शाम का टाइम है और इसके बाद अभी नाइट शिफ्ट चालू होगी काम की, तो फिर से उसको गीले किए जाएंगे टैंकर जैसे जैसे आता जाता है। बाकी ये आपके सामने अभी आज इतना ही काम चलेगा दोस्तों, इन दोनों की रात में लिफ्ट भरनी है एक एक। और दोस्तों ट्रांसफार्मर की न्यूज़ ये है कि दोस्तों इनका तो काम ठंडे बस्ते में है दोस्तों, अभी टाइम लग रहा है दोस्तों इनको, तो हाँ अभी प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है, मेरे को लगता है ये एक साइड का प्लेटफॉर्म अभी कर लेंगे, एक साइड का रात भर में कर लेंगे, तो शायद हो सकता है सुबह इसको शिफ्ट करें, तो सुबह दोस्तों ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट मैं बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों इनके लिए, बाकी देख लो इस एंगल से भी दिखा देता हूँ, भाई लोगों का काम तो दोस्तों लगा है, इनका भी स्लो है पर चल रहा है दोस्तों, इनको मेरे हिसाब से 2-3 दिन में अब दोस्तों निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब तो दोस्तों हो गया इनका काम कम्प्लीट, बस वही प्लेटफॉर्म बन जाएगा, बेल्डिंग मार रहा है, पक्का काम कर रहे हैं दोस्तों इस बार। उस दिन दोस्तों इन्होंने बेल्डिंग मारी होती तो शायद ये अब कब का बाहर आ जाता, पर वो दब गया उस दिन तो ये काम सारा ख़राब हो गया, पिक्चर वहीं में लच गई दोस्तों इनकी। भाई देखो ये कॉन्क्रीट चल रही है इस पे फुल स्विंग में, अभी देखो आपको अब ब्रिज का लेवल समझ में आ गया होगा, ये फाइनल लेवल दोस्तों, इसके ऊपर दोस्तों अपार्टमेंट की कैप बनेगी दोस्तों, अभी एक लिफ्ट 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट दोस्तों मेरे हिसाब से और आएंगी, उसके ऊपर दोस्तों अपार्टमेंट की कैप बनेगी दोस्तों। बाकी पियर में भी दोस्तों अभी मेरे हिसाब से एक लिफ्ट और एक या 2 लिफ्ट और आएंगी, उसके बाद दोस्तों फिर पियर की कैप बनेगी दोस्तों, और वो सामने पड़ा ट्रांसफार्मर वो तो दोस्तों अभी ठंडा बस्ते में सौदा है दोस्तों, तो अभी तो उसको रहने दो, मैं कवर क्या करूँ उसको, जब जिस दिन अब उसको
और बाहर निकालेंगे, उसके बाद जब जैक लगा के दोस्तों ट्रेलर पे लोड करेंगे, अब अगला वीडियो तभी लोड करूँगा दोस्तों उसको। बाकी दोस्तों आपको बीच बीच में थोड़ा अपडेट दे दिया करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो TM देख रहे हैं दोस्तों, एक भाई मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे, तो दोस्तों मैं वीडियो में ही दोस्तों कमेंट में का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो आपका जो हांडी रहती है इसकी जो TM की, इसके ऊपर दोस्तों ये बोरा क्यों लपेटा हुआ। बोरा दोस्तों इसलिए लपेटा हुआ है दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, तो उससे क्या होता है कॉन्क्रीट का टेम्परेचर का इशू ना हो। टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होता है इसके स्पेसिफिकेशन पूरा चेंज हो जाता है दोस्तों। इसलिए उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें बोरा लपेट देते हैं, उस पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे ठंडा रहता है। इसीलिए दोस्तों ये देखो सभी मिलरों पे दोस्तों हमारे बोरा लपटे हुए हैं और हम लोग इस पर पानी वानी मारते रहे। जितने भी देखो अभी हमारे 4 TM दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ये सुखतवा के एवरेज पे 4 पे दोस्तों यही हाल है, सब पे दोस्तों हमने बोरा लपेटे हुए हैं। अभी एक TM खाली हो गया दोस्तों, दूसरा जा रहा है अंदर, बाकी 2 और लोड होके आ गए। काम दोस्तों फुल स्विंग में चालू दोस्तों इस ब्रिज का। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मशीनरी पूरी खड़ी कर दी है, अभी यहाँ पे देखो सारी मशीनें लग गई, ब्रेकर भी लग गया, बकेट भी लग गई, क्योंकि दोस्तों अभी क्या डे शिफ्ट होगी पूरी कंप्लीट और अभी नाइट शिफ्ट में दोस्तों इनका कोई काम नहीं, खड़ी रहेंगी सुबह चलेंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई हाँ बेल आइकन दबाओ यार, बेल आइकन नहीं दबा रहे आप लोग यार। धन्यवाद दोस्तों।